क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे, कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड दी ऐप नाउ। मुंबई इंडियंस, जिसे लोग इस धरती की बेस्ट फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम भी कहते हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस टीम ने अपने छठे आईपीएल फाइनल में एंट्री कर ली है। आईपीएल 2020 के पहले क्वालिफायर में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से कूट दिया। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने 50 जड़े, दिल्ली के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के खाते में सबसे ज्यादा 3 विकेट आए। जवाब में दिल्ली की शुरुआत भयावह रही, उन्होंने बिना खाता खोले ही अपने 3 प्रमुख यानी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को गवा दिया। अंत में दिल्ली की टीम 20 ओवर में महज 143 रन ही बना पाई। वैसे तो ये मैच पूरे 40 ओवर तक चला, लेकिन इसका पलटू मोमेंट दिल्ली की पारी की शुरुआत में ही आ गया था। उसके बाद दिल्ली के लिए मैच में बहुत कुछ नहीं बचा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। उन्होंने पारी की 9वीं गेंद पर ही कप्तान रोहित को खो दिया। रोहित अपना खाता भी नहीं खोल सके। हालांकि दूसरे एंड से क्विंटन डीकॉक की कुटाई जारी रही, उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 40 रन बनाए। बीच के ओवर्स में सूर्य कुमार यादव के 51 रनों ने मुंबई को गेम में बनाए रखा। बाद में कायरन पोलार्ड भी 0 पर आउट हुए, लेकिन कुणाल और हार्दिक ने स्कोरबोर्ड पर इसका असर नहीं होने दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 14 गेंदों पर 37 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। दूसरे एंड पर ईशान किशन ने भी 30 गेंदों पर 55 रन जोड़े। मुंबई की पारी 200 रनों पर खत्म हुई, हालांकि मैच अभी बाकी था। दिल्ली की बैटिंग देखकर साफ लग रहा था कि यह टोटल चेज हो सकता है। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन क्रीज पर आए। पृथ्वी शॉ अब तक कुछ खास नहीं कर सके थे, लेकिन उम्मीद थी कि शायद क्वालिफायर में उनका बल्ला चलेगा। मुंबई के लिए शुरुआत ट्रेंट बोल्ट ने की। पहली बॉल पर कोई रन नहीं आया। शॉ को लगा कि अगली बॉल भी इन स्विंगर होगी, लेकिन बोल्ट यही खेल कर गए। उन्होंने कटर डाली और शॉ इस पर बल्ले का किनारा दे बैठे। बाकी का काम विकेट के पीछे खड़े डीकॉक ने पूरा कर ही दिया। अब तीसरे नंबर पर आए अजिंक्य रहाणे। पिछले मैच में कमाल का खेल दिखाने वाले रहाणे से सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन बोल्ट तो आज अलग ही रंग में थे। रहाणे को लगातार 2 लेंथ बॉल्स फेंकने के बाद बोल्ट ने ओवर की 5वीं बॉल लेट इन स्विंगर फेंक दी। अचकचाए रहाणे को मौका ही नहीं मिला, वह विकेट के आगे पकड़े गए। अंपायर ने उंगली उठाई और 0 के टोटल पर दिल्ली का दूसरा विकेट भी गिर गया। रहाणे को लगा DRS लेना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में उन्होंने DRS ना लेने का फैसला लेते हुए मैदान से बाहर जाना ही बेहतर समझा। अब अगला ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथ में था। उनकी पहली बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, धवन ने इसे कवर की दिशा में पंच कर दिया। अगली बॉल से पहले रोहित ने स्लिप लगाई, धवन का ध्यान बटा और आ गई बुमराह की यॉर्कर। इस एक बॉल पर धवन 2 बार आउट हुए। भले ही बॉल जाकर उनके ऑफ स्टंप पर खत्म हुई हो, लेकिन उससे पहले वह LBW हो चुके थे। बॉल सीधे जाकर उनके पंजों पर गिरी और स्टंप्स में घुस गई। लाइन इतनी सटीक थी कि अगर वह स्टंप तक ना जाती तो धवन पक्के तौर पर LBW होते। बस पहली 8 गेंदों में ही मुंबई ने मैच पलट दिया। दिल्ली की टीम सिर्फ 0 पर अपने टॉप के 3 बल्लेबाज खो चुकी थी। मामला सेट था। बाद में स्टॉयनिस और अक्षर पटेल ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन तब तक मैच में कुछ खास बचा नहीं था। अंततः मुंबई ने शान के साथ फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। लेकिन इस मैच से आप लोगों ने क्या हासिल किया और हमारी टीम ने क्या हासिल किया? क्या आपने My11Circle का ऐप डाउनलोड किया है? अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लल्लन टॉप के व्यूअर हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। साथ ही साथ My11Circle पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, हर हफ्ते करोड़पति बन सकते हैं, हर रोज आईफोन जीत सकते हैं और सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट बीट द एक्सपर्ट यानी दादा की टीम, राशिद खान की टीम या फिर वॉटसन की टीम को हराकर आप अपना कैश प्राइस दोगुना भी कर सकते हैं। तो ये जो हॉल ऑफ फेम है, इसके ऊपर करोड़पति की तस्वीर लग रही है और अगर इस हफ्ते आप करोड़पति बने तो हो सकता है आपकी तस्वीर भी इस वॉल पर लग जाए। इस मुकाबले में हमारी टीम ने कैसा कुछ परफॉर्म किया, थोड़ी सी नजर इस पर भी डाल लेते हैं। इस मैच में हमारी टीम में थे रविचंद्रन अश्विन, वो वाइस कैप्टन थे और उन्होंने हमें अच्छे खासे पॉइंट्स दिलाए। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह भी हमारी टीम में थे, उन्होंने 4 विकेट लिए तो 51 पॉइंट्स उनके खाते से भी हमें मिल गए। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों ने 40 से ज़्यादा पॉइंट्स दिलाए और बाकी काम टीम का पूरा कर दिया। हमारी टीम ने इस मैच में बढ़िया पॉइंट्स और जीत हासिल की। अब अगले मैच में आपसे फिर से मिलेंगे, मैच से पहले लाइव में आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।